एवरीवन, देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, अ मैन ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म इज जस्ट 9 मीटर बिहाइंड द एंट्रेंस डोर ऑफ अ ट्रेन। देखो जैसे ये एक मैन खड़ा है, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ ये ट्रेन है और इस ट्रेन में यहाँ पर ये डोर है एंट्रेंस वाला जहाँ इसको एंटर करना है। इसकी दूरी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 9 मीटर की दी हुई है इस मैन से, ठीक है। ये बोल रहा है अ मैन ऑन द रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म या रेलवे प्लेटफॉर्म इज जस्ट 9 मीटर बिहाइंड द एंट्रेंस डोर ऑफ अ ट्रेन। एंट्रेंस डोर ये है ट्रेन का, ठीक है। एंड व्हेन द ट्रेन बिगेन टू मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि अब ये एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का इससे मूव हुई है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हुई है, यानी कि यू जीरो है इसका, ठीक है। द मैन रन्स फुल एट द फुल स्पीड, ये कह रहा है, ठीक है। कहता है हाउ फार डज हैव टू रन एंड आफ्टर वट टाइम डज ही गेट इन टू द ट्रेन। अब देखो मान लो टी टाइम के बाद, ठीक है, लेट बी से कि टी टाइम के बाद, मैं इसमें टाइम कर रहा हूँ, लेट टी टी टाइम के बाद ट्रेन यहाँ पहुँच गई, क्योंकि अब ये भागना शुरू हुआ तो ऑब्वियस है ट्रेन तो चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी तभी ये चला और फुल स्पीड में चला अपनी, तो ट्रेन यहाँ पहुँच गई मान लीजिए, ठीक है, और इसका एंट्रेंस अब ये है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये वाला कितना आ गया, एक्स आ गया, कितना आगे पहुंच गई है, एक्स पहुंच गई। तो यानी कि अब इस जो मैन को कितना दौड़ना पड़ेगा, ये 9 तो दौड़ना ही पड़ेगा, ट्रेन तो यहाँ आ गई, 9 प्लस एक्स, तो यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल, कह रहा ना हाउ फार, यहाँ बोल रहा है ना हाउ फार डज हैव टू रन, ही हैव टू रन, ठीक है। तो कैसे, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है यानी कि, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन कितना होगा, वो 9 प्लस में एक्स होगा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है ये, व्हाट टाइम डज ही गेट इन टू, मतलब टाइम टी ये जो हमने लेट किया है, ऑब्वियस है टी टाइम में ही कहा है ना हमने, ये यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है, तो टी टाइम हमें निकालना है, यानी कि टाइम क्या होगा, एंड व्हाट इज हिज फुल स्पीड, और फुल स्पीड भी हमें इसकी फाइंड आउट करनी है कि कितनी है। देखो एक बात तो इसमें समझो, जितनी स्पीड इसकी ट्रेन की होगी उतनी ही स्पीड इसको अटेन करनी पड़ेगी तभी ये यहाँ पर एंटर होगा इसका, क्योंकि ट्रेन तो चल ही रही है, यहाँ रेस्ट पे है, जैसे ही बिगेन हुई, स्टार्ट हुई मतलब चलनी, ऐसे ही ये दौड़ पड़ा, और ये स्टार्ट हुई कितने कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये चली है, तो ये जब भागना शुरू हुआ और ये ट्रेन इसने यहाँ आके पकड़ी है, समझ पा रहे हो बात, तो ट्रेन यहाँ आके पकड़ रहा है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप, तो ऑब्वियस बात है इसमें आपको ये तो चीज़ समझनी ही पड़ेगी कि किस स्पीड से ये भागा होगा, जो स्पीड ट्रेन की होगी वही स्पीड इसको अटेन करनी पड़ेगी तभी तो पहुँचेगा वहाँ तक। जैसे मान लो ट्रेन पकड़नी है किसी को, जैसे आपने मूवीज़ में देखना होगा वो भाग रहा है ट्रेन के साथ साथ, एक टाइम ऐसा आता है ट्रेन के डोर के साथ साथ वो भाग रहा होता है, यानी कि सेम स्पीड है ना, फिर वो चढ़ जाता है डोर पे, वही कहानी है। आया कुछ समझ में, थोड़ा ध्यान में आया किस मूवी का, किसका मूवी का याद आया, DDLJ, ठीक है, चलो जिसको जो याद आ गई अच्छी बात है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन ये चीज़ हमने मान ली, ठीक है, और जो हमने कहा एक जो मेन बात हमने बोल दिया यहाँ पर कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मैन वो इक्वल है किसके, स्पीड ऑफ या वेलोसिटी एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और कौन सी आई है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है, फाइनल, क्योंकि ट्रेन की फाइनल ही तो होगी जो जिस पे वो दौड़ रही होगी, इनिशियल तो जीरो थी उसकी, ठीक है, और यहाँ भी ये क्या है, वेलोसिटी ही मान लो यहाँ पर, क्लियर, ऑफ मैन है। अब देखो मेन कहानी पे चलो, देखो अगर हम बात करें मैन की और फिर हम ट्रेन की बात करेंगे, देखो ध्यान से समझना हमने, ठीक है, अगर हम मैन की बात करें यहाँ पर और हम यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू में लगाएं फार्मूला स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू में टाइम, ठीक है, तो देखो अगर हम मैन की बात करें तब ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है मैन, वो ट्रेन है, वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होगा। तो यहाँ डिस्टेंस कितना मैन ने कवर किया टोटल, अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया जब ट्रेन को पकड़ा उसने, टोटल 9 प्लस एक्स, कितना हो गया टोटल 9 प्लस एक्स, ये लिखा भी है हमने, तो 9 प्लस एक्स हो गया। और स्पीड या जो हम वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं, देखो एक चीज़ याद रखना, जब स्ट्रेट लाइन में होती है, मैंने बहुत बार बोला है, स्पीड वेलोसिटी एक बात होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है, कहीं लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं इसी में कि कहीं स्पीड बोल रहे हो कहीं वेलोसिटी बोल रहे हो, क्या चक्कर है, ठीक है, तो 9 प्लस एक्स, और स्पीड हमने यहाँ पर मान ली इसकी वी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने ट्रेन की कितनी मान ली थी, वी मान ली थी, तो इसकी भी वी ही है, और टाइम कितना लगा इसको टोटल टी, तो ये वी टी हो गया, ठीक है, क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम ट्रेन की,
ट्रेन की कहानी जब हमारी स्टार्ट हुई तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो हम इसमें लगाएं एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो एस कितना है हमारे पास, इसने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, ट्रेन यहाँ थी ना, यहाँ से यहीं पहुँची है वो, तो कितना किया डिस्टेंस ट्रैवल एक्स, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। यू इसका जीरो था ट्रेन का, तो जीरो इंटू टी जीरो हो गया, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन इसका टू का था और टाइम हमें नहीं पता, तो ये टी स्क्वायर, टू से ये टू कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ गया टी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन कहाँ बनेगी, ये थर्ड भी बना देते हैं यहाँ पर, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, क्योंकि रिलेशन हम एक्चुअली में यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ इस इक्वेशन में हम जब वैल्यू पुट करें, जैसे एक्स की पुट कर देंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, अब यहाँ से वी की कुछ वैल्यू पुट करें ताकि सब कुछ टी टर्म में आए। तो देखो जो ट्रेन है हमारी उसमें वी तो वी ही है और ये ज़ीरो है और टू और ए है टू और एस कितना है एक्स है, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू में ये कितना आ गया हमारे पास फोर एक्स, तो वी की वैल्यू यहाँ से कितनी बन रही है हमारे पास अंडर रूट में फोर एक्स, अंडर रूट फोर कितना होता है टू और ये साथ में रूट एक्स, समझ में आ गया क्या किया है हमने, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब देखो यहाँ पर नाइन प्लस में सेकेंड इक्वेशन यहाँ पुट करो, कितना है ये एक्स की वैल्यू टी है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर पुट कर दी, पुट सेकेंड एंड सेकेंड इन फर्स्ट ये कर दिया हमने, इज इक्वल टू में वी, वी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर टू रूट एक्स है। अब अगर हम देखें कि इस एक्स में भी हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं टी स्क्वायर की, तो देखो पुट अगर ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, तो पुट सेकेंड इन थर्ड अगर हम करें तो वी इज इक्वल टू में देखो टू और रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है अगर यहाँ से देखें हम टी स्क्वायर, तो ये देखो कितना बन गया टी स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यानी कि टू टी आ गया, तो वी की ये आ गई हमारे पास, ये फोर्थ हो गई। अब क्या करो, पुट सेकेंड लिखा था ना मैंने एंड फोर्थ कर दो, एंड फोर्थ इन फर्स्ट, तो देखो सेकेंड पुट हो गई, अब यहाँ पर फोर्थ पुट कर दो, वी की वैल्यू कितनी है टू टी है, तो टू टी और एक साथ में ये भी है टी, तो ये कितना आ गया टू टी स्क्वायर और ये है नाइन प्लस में टी स्क्वायर, नाइन इधर ही रहने दो, टू टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर हो गया इधर आके, ये टी स्क्वायर ये नाइन और टी कितना आ जाएगा अंडर रूट में नाइन, ये तो पता है ना कैसे करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो इधर रूट से स्क्वायर कट जाता है इधर रूट रह जाता है, ये तो बच्चों वाला काम है, ठीक है ना। तो ये बार बार ये चीज़ें बताने की नहीं है, रूट में है और रूट नाइन का रूट क्या होता है थ्री होता है और वो लेकिन प्लस या माइनस में आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो थ्री का स्क्वायर भी नाइन होता है और माइनस थ्री का स्क्वायर भी नाइन होता है, तो इसलिए जब रूट करेंगे तो थ्री भी हो सकता है और माइनस थ्री भी हो सकता है ना, इसलिए ऐसे आता है, लेकिन टाइम कभी माइनस में नहीं होता, तो हम प्लस का ही थ्री लेंगे सेकेंड, प्लस का थ्री सेकेंड, यानी कि टाइम तो हमें पता चल गया जो वो पूछ रहा था हाउ मच टाइम, ये पूछा था ना यहाँ पर हाउ फार द डिस्टेंस हो गया था, व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन, तो कितना टाइम लगेगा उसे थ्री सेकेंड लगेंगे ट्रेन के अंदर जाने में, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब सारे आंसर यहीं से निकल जाएंगे, ठीक है, देखो कैसे डिस्टेंस कह रहा था वो टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस हमारा नाइन प्लस एक्स, ठीक है, अब नाइन प्लस एक्स था तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो ज़रा, इसमें सेकेंड में पुट कर दो इसको, पुट इन सेकेंड, तो एक्स निकल जाएगा टी की वैल्यू है थ्री, टी स्क्वायर से आ गया नाइन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा हमारा, टोटल डिस्टेंस जो मैन ने कवर किया, टोटल डिस्टेंस वो कितना था यहाँ पर देख लो, नाइन प्लस एक्स था, नाइन प्लस एक्स, नाइन ये और एक्स, ठीक है, तो नाइन प्लस एक्स, तो नाइन प्लस में नाइन कितना आ गया 18 मीटर एक, तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्या कह रहा था वो आपको, व्हाट इज इज फुल स्पीड, और यहाँ पर ये वी से निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से देखो वी इज इक्वल टू कितना है टू टी, तो टू इंटू में टी कितना है थ्री, तो ये सिक्स मीटर पर सेकेंड ये आपके पास, क्योंकि यही वेलोसिटी हमने मानी थी ना, वी को ही तो माना था वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू जब हमने ट्रेन की वेलोसिटी को इक्वल किया, तो वी यही है हमारे पास, ठीक है, कितना है सिक्स मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर आ गया। फुल स्पीड मैन की कितनी है सिक्स मीटर पर सेकेंड की, 18 मीटर का क्या है टोटल डिस्टेंस कवर किया मैन ने, और टोटल टाइम कितना लगा उसे थ्री सेकेंड का लगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि थोड़ा अलग है ना, बिल्कुल सिंपल वे में नहीं हो रहा, अगर नहीं किया आपने क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे, किया हुआ एक बार तो कर पाओगे, ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट जो करेंगे, अब जैसे यहाँ तो हमारे एक्सेलरेशन की बात हो रही थी, अब हम बात किसकी करेंगे नेक्स्ट में, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह जी आ जाएगा, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।